हाय फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर ज्योति कौशिक, JR1 पंचकर्म। मैंने ऑल इंडिया रैंक 174 से यहाँ संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी में पंचकर्म डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि MD एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें और कैसे उसमें सक्सेसफुली एडमिशन लें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह से तैयारी की। तो दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस था, सबसे पहले मैंने अपना एक एम बनाया हुआ था कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। मेरा एम था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, प्राइवेट में नहीं लेना। तो मुझे, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आपका एम नहीं है कि आपको, मतलब जो बच्चे ये सोचते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी मिल जाए उन्हें एडमिशन ले लेंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें अगर आपका एक एम हो कि आपको गवर्नमेंट में ही एडमिशन लेना है, तो उससे आप एक पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपका टाइम टेबल कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जैसे दोस्तों, आप सभी को पता है कि चरक सुश्रुत वाग्भट जो हमारे मेन ग्रंथ हैं, उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो ज़्यादा आते हैं। और इसके अलावा जो छोटी संहिताएं हैं जैसे षाडंगदर, भाव प्रकाश, माधव निदान जो हैं, और जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे अगत तंत्र या गाइनियोप्स हैं, हमारी सर्जरी है, इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े आते हैं। तो उस हिसाब से ही हमें अपनी स्टडी पे अपना शेड्यूल बनाना चाहिए कि जैसे अगर हम 7 से 8 घंटे एक दिन में पढ़ रहे हैं, तो उसमें 5 से 6 घंटे हमें बड़ी संहिताओं को जैसे चरक सुश्रुत वाग्भट को देने चाहिए, और छोटी संहिताएं जैसे षाडंगदर, माधव निदान, इनको दिन में 2 से 3 घंटे में तैयारी करें। और 1 से 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसमें जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें या उसके क्वेश्चंस टिक करें, ताकि आपको पता चले कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर जो एंट्रेंस है आपका उसमें आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको चरक सुश्रुत वाग्भट जो पढ़ने हैं उनके कंपेरेटिव नोट्स बनाइए, क्योंकि कंपेरेटिव नोट्स बनाते हैं तो उससे एक आपको आइडिया लगता है कि अच्छा, चरक में सार के बारे में ये बताया है, सुश्रुत में क्या बताया है, या वाग्भट में अग्रगण क्या बताए हैं। तो उससे एक आपको कंपेरेटिव स्टडी में एक मतलब आइडिया लग जाता है कि ये चीज़ चरक में अलग है, ये चीज़ सुश्रुत में अलग है, या ये वाग्भट में अलग है। और इसके अलावा जो छोटी संहिताएं हैं जैसे षाडंगदर, भाव प्रकाश जो हैं, उनको भी रोज़ समय दीजिए, ताकि वो भी साथ में आपकी रिवाइज होती रहे। और उसके बाद दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पकड़े हुए हैं। जैसे चरक आप अगर पढ़ने लगे तो सूत्र स्थान में ही आप 15-20 दिन लगा देते हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप हो सके तो उसमें अपना टाइम टेबल बनाएं और उसे इस तरह से डिवाइड करें कि आपके, आपका अगर एम है कि मुझे सूत्र स्थान जो है 8 दिन में या 10 दिन में निपटाना है, तो उस हिसाब से, यानी एक दिन के अगर 5 चैप्टर करने हैं या एक दिन में 10 चैप्टर करने हैं, तो वो उस तरह से निर्धारित होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है आपका पेपर करने का तरीका। जैसे जो आज, अब जो पैटर्न है उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है, तो उसमें आप उसको पेपर को 3 राउंड्स में डिवाइड कर लें। जैसे फर्स्ट राउंड में आप सिर्फ वही क्वेश्चंस करिए जिसका आपको 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है और ये क्वेश्चन मेरा सही होगा। चाहे उसमें आपके 120 में से 60 ही क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन ही आपको आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नर्वस ना हो और उन सभी क्वेश्चंस को करने की ट्राई करें। फिर दूसरा पोर्शन में, दूसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस को निपटाएं जिसमें आपको लगता है कि इसमें 50%, मतलब 50-50% का आपको डाउट है कि ये ऑप्शन भी हो सकता है या ये ऑप्शन भी हो सकता है, तो उसे ट्राई करिए उसे करने की, अच्छे से पढ़ने की, और उसमें आपको लगता है कि 100% श्योरिटी आपको लगती है कि हाँ यही होगा, तो उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। और थर्ड राउंड में उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए
जिनका आपको चारों क्वेश्चंस, चारों जो ऑप्शंस हैं उनमें ही आपको डाउट हो रहा है कि मतलब इनमें क्या कौन सा हो सकता है, तो उन्हें चारों ऑप्शंस को एक बार फिर से पढ़िए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और ट्राई कीजिए। क्वेश्चन छोड़ने का, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को छोड़िए जिनमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है, या मतलब जिनमें चारों ऑप्शंस ही आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें ही आप छोड़ने का प्रयास करें।